फ्रेंड्स, अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, लगभग 30,000 का अंदर, उसी प्राइस रेंज पे आपको एक लैपटॉप चाहिए वीडियो एडिट करने के लिए या गेमिंग के लिए, तो कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा? रिसेंटली मैंने एक लैपटॉप को परचेस किया, देखो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, यह है विंग्स का लैपटॉप। इस लैपटॉप में i5 11th generation प्रोसेसर है, इसके साथ साथ 8GB DDR4 3200 MHz का रैम है। इसके साथ साथ इस लैपटॉप में इंटेल का आईरिक्स एक्स ग्राफिक्स है। क्या ये ग्राफिक्स परफेक्ट है आपका जो वीडियो है वो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी तरह से कम समय में, उसके साथ साथ आपका कोई भी गेम प्ले करने के लिए? इस ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस आज मैं यहाँ पर इस मेरा जो लैपटॉप है इस लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ। इस लैपटॉप को मैं रिसेंटली परचेस किया फ्लिपकार्ट से, कितने रुपीज़ में परचेस किया वो भी मैं यहाँ पर आगे वीडियो में बोलने वाला हूँ। चलो पहले देखता हूँ इस लैपटॉप में जो आईरिस एक्स ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस कैसा है। फ्रेंड्स देख सकते हो, तो मेरे पास और एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप है एसर पीटर हीलियो 300 i7 10th generation प्रोसेसर है, 16GB DDR4 रैम है इसमें। उसके साथ साथ ये जो लैपटॉप है 2060 का 6GB ग्राफिक्स है। इसी लैपटॉप में मैं मेरा सारा वीडियो को एडिट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि ये जो लैपटॉप है, इसी लैपटॉप के साथ मेरा जो नया लैपटॉप विंग्स का लैपटॉप, वो लैपटॉप कितना समय में कितना डिफरेंस होता है वीडियो एक्सपोर्ट करने में। फ्रेंड्स, मैंने जो ये नया विंग्स का लैपटॉप को परचेस किया, इस लैपटॉप को आज यहाँ पर मेरा जो ऐसा का पीटर लैपटॉप है, इस लैपटॉप से इसका वीडियो रेंडर करके मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, एक वीडियो को एडिट करके दिखाने वाला हूँ कितना टाइम लेता है। देखो यहाँ पर ये जो मेरा ऐसा का पीटर लैपटॉप है, इस लैपटॉप में i7 10th generation, उसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो 2060 का 6GB ग्राफिक्स, उसके साथ साथ 16GB रैम है इसमें। और ये जो मेरा विंग्स का लैपटॉप है, इस लैपटॉप में यहाँ पर i5 11th generation 8GB रैम और उसके साथ साथ यहाँ पर आईरिक्स एक्स ग्राफिक्स है। तो इस ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस कितना है, आप वीडियो एडिट कर सकते हो इस ग्राफिक्स से, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सेम ही वीडियो को दोनों लैपटॉप से रेंडर करके मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कितना टाइम लेता है। मैं यहाँ पर बाहर से दिखाता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा सारा कुछ सेम ही वीडियो को। देखो यहाँ पर ये जो मेरा, देखो यहाँ पर ये वीडियो है और ये मेरे जो लास्ट वीडियो था विंडोज 11 का 23H2 जो मेरा लास्ट वीडियो था। और ये जो विंग्स का लैपटॉप है, इसका कलर एक्यूरेसी उतना खास नहीं है। देखो यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हो पिक्चर में दोनों का डिफरेंस कितना है। ये जो मेरा एसर पीटर लैपटॉप है ना, ये परफेक्ट है, 300 nits ब्राइटनेस है इसका। और ये जो मेरा विंग्स का लैपटॉप है, ये 250 nits ब्राइटनेस है। देखो यहाँ पर पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हो, कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कि कलर एक्यूरेसी आप विंग्स लैपटॉप में नहीं कर सकते, मगर छोटा मोटा वीडियो आप आसानी से एडिट कर सकते। मगर देखा जाए कि इस प्राइस रेंज में ये जो लैपटॉप है, यहाँ पर मैं 27,000 में इसको परचेस किया लगभग, तो इसी प्राइस रेंज में कितना परफॉर्मेंस दे सकता है मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आईरिक्स एक्स ग्राफिक्स कितना परफॉर्मेंस होता है मैं यहाँ पर सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में कैसा लग रहा है और इस लैपटॉप में कैसा लग रहा है, सेम ही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका कलर और इसका कलर कैसा लग रहा है देखने में, देखो यहाँ पर दोनों लैपटॉप में एक ही साथ, यहाँ पर एक ही साथ दोनों लैपटॉप में रेंडर करते हो। मैं यहाँ पर सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ सेटिंग से मैं यहाँ पर इसको रेंडर कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर फोन से दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये जो विंग्स का लैपटॉप, मैं नया लैपटॉप में परचेस किया इस लैपटॉप का। देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का इसका फ्रेम रेट मैं कितना रखा, यहाँ पर 60, यहाँ पर देख सकते हो फुल HD 60 फ्रेम में मैंने रखा। यहाँ पर सेटिंग सेक्शन में जाके मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, और सेटिंग में जाके यहाँ पर देखो बेस्ट सेटिंग में मैंने यहाँ पर इसको रखा, बेस्ट सेटिंग में यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो कितना मैंने रखा। चलो यहाँ पर इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर मेरा जो एसर का पीटर लैपटॉप है, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो एसर का पीटर लैपटॉप है। इस लैपटॉप में चलो यहाँ पर मैं फ्रेम रेट कितना रखा, यहाँ पर भी देख सकते हो 60 फ्रेम और यहाँ पर फुल HD में मैंने रखा। उसके साथ साथ यहाँ पर सेटिंग सेक्शन में जाके यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ सेटिंग मैंने कितना रखा, यहाँ पर बेस्ट में रखा। चलो यहाँ पर अच्छे से सारा कुछ देख सकते हो। चलो यहाँ पर उसके साथ साथ मैं यहाँ पर दोनों को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना टाइम में होता है। अगर आप आईरिक्स एक्स ग्राफिक्स देते हो, आप वीडियो रेंडर कर सकते हो, आप वीडियो एक्सपोर्ट कितना टाइम में कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया एसर पीटर और विंग्स का मेरा लैपटॉप। देखो यहाँ पर कैसे करके जा रहा है, यहाँ पर 17 minutes दिखा रहा है विंग्स का जो लैपटॉप है, और ये जो मेरा एसर पीटर लैपटॉप है यहाँ पर 11 minutes दिखा रहा है। मगर यहाँ पर कितना टाइम लगता है इसको एक्सपोर्ट होने के लिए,
लिए सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाने वाला अच्छी तरह से। चलो देखते हैं और फर्स्ट इसका परफॉर्मेंस कितना परफॉर्मेंस में चल रहा है, मेरा विंग्स लैपटॉप कितना ग्राफिक्स यूज़ हो रहा है, रैम यूज़ हो रहा है, मैं अच्छे से दिखाने का कोशिश करता हूँ। 53% यहाँ पर ग्राफिक्स जो इंटेल का आयरिक्स एक्स ग्राफिक्स है वो यूज़ हो रहा है 52%, और यहाँ पर सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, रैम सारा कुछ आप देख सकते हो अच्छे से मेरा विंग्स लैपटॉप में। और यहाँ पर एसर पीटर लैपटॉप में सीपीयू 62%, 6% मेमोरी रैम, और यहाँ पर ग्राफिक्स कितना यूज़ हो रहा है, यहाँ पर 94% इमेज जो मेरा ग्राफिक्स है वो यूज़ हो रहा है, 2060 का 6GB ग्राफिक्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और ये जो विंग्स लैपटॉप है अच्छे से देख सकते हो दोनों का परफॉर्मेंस, यहाँ पर कितना ग्राफिक्स यूज़ हो रहा है 57% यहाँ पर आईरिस एक्स ग्राफिक्स। चलो मैं यहाँ पर दिखा दूँ कितना टाइम लगता है यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट होने के लिए। और यहाँ पर विंग्स लैपटॉप 16 मिनट दिखा रहा है और ये 6 मिनट दिखा रहा है एसर का पीटर लैपटॉप, अच्छे से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर 16 मिनट, चलो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। और ये लगभग फास्ट हो गया और एसर पीटर लैपटॉप लगभग कंप्लीट कर लिया, ये जो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया एसर पीटर जो लैपटॉप है, लगभग यहाँ पर 5 मिनट्स लिया एसर पीटर लैपटॉप। अभी तक ये 42% चल रहा है विंग्स का जो लैपटॉप है मेरा, 42% चल रहा है एसर पीटर लैपटॉप पूरी तरह से 100% इसका कंप्लीट कर दिया, ये जो वीडियो का एक्सपोर्ट था पूरी तरह से कंप्लीट करता है। चलो मैं इस वीडियो को फाइंड करके दिखाता हूँ ये वीडियो कैसे करके एक्सपोर्ट हुआ, ये जो मेरा लास्ट वीडियो था। चलो मैं यहाँ पर फाइंड टारगेट, यहाँ पर इस पीटर लैपटॉप इस लैपटॉप को प्ले करके दिखाने, ये लैप ये वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ, अच्छी सब देख सकते हो। विंडोज 11 का 2.3.2 जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से रिलीज कर दिया। आज भी यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वालों की 5 मिनट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, अभी तक ए कंप्लीट नहीं किया, अभी तक 46% है। चलो इसका स्पीड भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है विंग्स का जो यहाँ पर इंटेल का आयरिस एक्स ग्राफिक्स है उसके साथ ए पूरी तरह से एक्सपोर्ट होने के लिए कितना टाइम लगाता है। हाँ कंप्लीट कर ले, ये लगभग 12 मिनट्स लिया ये पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए, 12 मिनट्स निया। ये मेरा विंग्स का जो नया लैपटॉप है इसका, देखो यहाँ पर अच्छे से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स था यहाँ पर, ये वीडियो को मैं प्ले करके आपको अच्छे से दिखाने को। विंडोज 11 का 2.3.2 जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से रिलीज कर दिया। आज भी यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाले हो कि आप कैसे विंडोज 11 का 2.3.2 ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, उसके साथ साथ एक बूटेबल USB किट कर सकते हो, उसी बूटेबल USB से किसी भी पीसी को विंडोज 11 का 2.3.2 इसी वर्जन से फॉर्मेट कर सकते हो। क्या कुछ सो फ्रेंड्स, आज में यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया कि अगर आपका बजट 30,000 का अंदर है उसी प्राइस रेंज पे आपको एक लैपटॉप चाहिए, इस लैपटॉप में आप आसानी से गेम खेल सकते हो या वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो मैं आज यहाँ पर दिखा कि मैं यहाँ पर इस जो विंग्स लैपटॉप है इसी लैपटॉप को मैं परचेस किया 26,990 इसी प्राइस रेंज में। तो अगर इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो इसका परचेसिंग का लिंक इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो उसका करंट प्राइस देख के। अभी लगभग 30,000 का अंदर इस लैपटॉप को मिल जाएगा। इसका जो कलर एक्यूरेसी है वो उतना खास नहीं है मगर आप कर सकते हो। सो अगर 30,000 के अंदर एक लैपटॉप को आप परचेस करना चाहते हो तो इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वीडियो में। तो टुडे जो का टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।